सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं वीडियो है ये कीगर रेनॉल्ड कीगर की, जो ये बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुकी है। तो हम आपको पूरा चेक करा देते हैं किस प्रकार से ये डैमेज हुई हुई है। हम इसका पूरा स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे आपको वीडियो, और इसका क्या प्रोसेस रहता है हम आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे किस प्रकार से ये रिपेयर होगी। और आप देख सकते हैं हमने इसका ये डोर खोला है, तो आप देखते हैं बिल्कुल बाहर नहीं खुल रहा है, जिसके कारण ये पिलर की साइड से पूरी अंदर जा चुकी है, ये डेड फुट अंदर आ चुकी है गाड़ी की अकॉर्डिंग। तो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि ये पोजिशन पूरी आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और यहाँ का आप देख सकते हैं हम पूरा पहले इसको चारों साइड से चेक कर लेते हैं कहाँ पे कितना डैमेज है, फिर इसको ओपन करके दिखाएंगे हम आपको। तो ये देखिए टेल लैंप भी टूट चुकी है और ये पोस्चर पूरा अंदर आ चुका है, और ये दरवाज़ा देख सकते हैं आप, ये इन दोनों में ही अटैच हो चुका है, जिसके कारण डोर भी नहीं खुल रहा है। तो हम इसको किस प्रकार से रिपेयर करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इसको पूरा चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसका ये डोर भी डैमेज हो चुका है, ये विंडो ग्लास भी फूट चुका है, और साइड मिरर भी टूट चुका है, और ये फेंटर देखिए आप बुरी तरीके से ये भी डैमेज हो चुका है। तो हम इसको किस प्रकार से रिपेयर करेंगे वो हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आज ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो किस प्रकार से रिपेयर करेंगे वो हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बोनट ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना क्या डैमेज हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस पोस्चर को कि फेंटर कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो हमने बोनट बंद कर लिया है। अब इसकी ये पोजिशन देख सकते हैं आप कि इसके जो व्हील के हैं ना, दो टुकड़े हो चुके हैं दोस्तों, व्हील के दो टुकड़े। तो अभी हम इसमें ये व्हील कैची और टायर चेंज करके हम इसको शॉप पे लेके आ चुके हैं। तो अब इसका हम पोस्चर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके ये पोजीशन देखिए कि रनिंग बॉर्डर इतना बेंड हो चुका है, जिसके कारण अंदर बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। तो हम इसको किस प्रकार से खोल के इसको दिखाएंगे आपको वीडियो में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा पोजीशन अंदर आ चुका है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका बॉनेट फेंटर फाटक का गैप कितना कम हो चुका है, और आपको ये डिक्की की साइड में भी डैमेज है, जो दिखाएंगे कि इसका ये पोस्चर है जो ये पोजीशन इसके अंदर जा चुकी है यहाँ पे, जबकि गैप रहता है। तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि डोर में यहाँ गैप है, और यहाँ से बिल्कुल भी फिटिंग हो चुकी है, जिसके कारण दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है। तो ये साइड कांच भी टूटा हुआ है, और ये फेंटर में डैमेज है, और डोर में भी डेंट है। तो इसको हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे हम इसमें दोस्तों किस प्रकार से ज़्यादा डैमेज है या कम। तो हमने इसको पोजीशन को ओपन कर लिया है, इसके डोर और फेंटर हमने ओपन कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कि यहाँ पे इतना गैप हो चुका है, जिसके कारण बॉडी पूरी अंदर जा चुकी है, डेढ़ फुट ये अंदर आ चुकी है। हम अंदर का पोजीशन भी आपको दिखाएँगे। तो इसको ही हम रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से रिपेयर करेंगे देखिए। अगर ये कंपनी में होती तो इसको चेंज कर देते, बॉडी टोटल लॉस में दे देते। हम इसी को ही रिपेयर करेंगे, टोटल लॉस की भी हमने रिपेयर कर दी है, और हम आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये रिपेयर होगी और किस प्रकार से इसकी पोजीशन आएगी। आप देख सकते हैं ये अंदर की साइड से पोस्चर के यहाँ कितना डैमेज है, ये आधी फर्श यानी डेढ़ फुट ये अंदर आ चुकी है, ये पिलर जबकि बीच में रहता है। आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा है, के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल पड़ चुके हैं। हम इसको कहीं से भी कट नहीं करेंगे और इसी को ही रिपेयर करेंगे, और हम इसके लिए हम ये जो रनिंग बॉर्डर है इसको ही कट करेंगे, जो अब आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम पहले पूरा अंदर से चेक कर लेते हैं किसके कारण ये कितने सेल पड़ चुके हैं। यहाँ की इसकी पोजिशन देखिए आप, कितना ये अंदर आ चुका है। तो हम इसी को ही रिपेयर करेंगे दोस्तों, जी हाँ हम इसी को ही रिपेयर करेंगे ताकि हमारा ये पोजिशन क्लीन हो जाए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पिलर कितना डैमेज हो चुका है, बॉडी कितनी अंदर आ चुकी है इसकी, तो वो भी हम इसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका रनिंग बॉर्डर का पोस्चर ठीक करेंगे। तो यहाँ से हमने इसके रनिंग बॉर्डर को कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट किया है क्योंकि इसमें डबल पीस है और ये बहुत ही हार्डनेस होता है, ये
इजी वे बाहर नहीं आता है, इसलिए हमने ऊपर का कवर हटा लिया है और यहाँ से इसको हिट करके ही इसको बाहर निकालेंगे। तो अंदर की पोजीशन हम आपको चेक करा देते हैं। यहाँ से भी हमने पिलर को कट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत नरम चादर होती है और बाहर की साइड से बहुत मजबूत चादर होती है, तो इसलिए हमने इसको कट कर लिया। और इसकी ये पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, वो हमने यहाँ से क्लियर की है। और देखिए हमने किस प्रकार से इसको क्लियर किया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये इसका रनिंग बॉर्डर है जो हम इसको ही रिपेयर करेंगे। देखिए इसकी कंडीशन देख के लगता है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो हम आज इसको ही रिपेयर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इसका डैमेज कितना बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, तो हम इसको पिलर को पहले सीधा कर लेते हैं। तो इसको हिट करके देखिए ही इसको बाहर लिया जाता है ताकि हमारा ये काम बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है, इसलिए हम इसको हिट करके ही बाहर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसके साकल द्वारा मदद से इसको बाहर लिया है, जिसकी जो पोजीशन है ओरिजिनल तरीके से वहाँ पे इसको पोस्चर को ठीक करने के लिए इसको वहाँ पे ऐड किया है। तो हम देखिए इसका ये सारा प्रोसेस आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी वीडियो लेके आएँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए इस पोजीशन से हमने इसको पैड को बाहर लिया है, अब हम आपको पूरा चेक करा देते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है इसका, आप देख सकते हैं ये पिलर जो बीच में था वो कितना गैप कम था, तो हमने इसको पूरा प्रॉपरली कर लिया है और इसको वेल्ड भी कर लिया है ओरिजिनल तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसको हमने पेंट भी करा लिया है, इसमें बॉडी स्लैन ऐड करके ताकि हम अंदर पानी ना आए। और इसकी आप फिटिंग भी देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल तरीके से है। जो इसकी पोजीशन देखिए आप, ये पीस पूरा अंदर साइड में था, अब ये पीस पिलर सपोर्ट है ये पूरा अंदर बाहर है। और इसकी ये रनिंग बॉर्डर की पोजीशन भी देख सकते हैं आप, हमने इसको ही रिपेयर किया है ना कि हमने चेंज किया है, इसका सारा पार्ट हमने ज़्यादातर रिपेयर किए हैं। आप देख सकते हैं इसका हमने ये पिलर कट किया था तो वापस फिटिंग भी कर लिया है। अब देख लीजिए हमने यहाँ से इसको पेंट करा लिया है ताकि ये अंदर रहेगा, ताकि हमें किसी भी प्रकार की रस्ट का सामना ना करना पड़े। कि भाई क्या करते हैं इसको तैयार करने के बाद फिटिंग कर लेते हैं और बाहर से पेंट करा देते हैं, तो यहाँ से पेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने इसको खोल के पेंट कराया था। अब आप इसकी पोजीशन देख लीजिए, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी, इसका सारा प्रोसेस हमने वीडियो में दिखाया है आपको। अब इसकी ये लाइन शेप है हम प्रॉपरली आपको दिखा देते हैं वीडियो में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल गैप है वही इसी में है, हमने इसी में बार स्क्रू वगैरह ऐड नहीं किए हैं। और ये बोनेट और फेंडर का भी गैप देख लीजिए आप, ये पूरा प्रॉपरली ओरिजिनल तरीके से है, कहीं से भी काट चाट नहीं किए हैं हमने। तो ये लाइन देख लीजिए आप एकदम प्रॉपर कंप्लीट है। इसका हमने फ्रंट ग्लास भी चेंज किया है और ये देख लीजिए आपने इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और जो डेंट छोटे बड़े डेंट थे यहाँ पर इसका गैप देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। और ये जो पोजीशन थी हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं कि अंदर से ये पिलर जो डैमेज था वो एकदम ओरिजिनल तरीके से बाहर आ चुका है। और यहाँ की देख लीजिए आप, ये अभी तक भी मैट में इसका सिंबल दिखा रहा है, ये यहाँ तक पोजीशन आ चुकी थी, जो इसको हमने बाहर ली है वो यहाँ तक थी अंदर, तो इसका ये आधा ही भाग रह गया था। तो अब देख लीजिए हम इसका पूरा प्रोसेस जो मैट में ही बेंड हो चुके थे वो भी शो कर रहे हैं। तो इसका हमने ये कंप्लीट प्रोसेस कर लिया है, रनिंग बॉर्डर वही है जो हमने रिपेयर किया था। तो इसको डोर को बंद कर लेते हैं, अब हम इसका चारों साइड से चेक कर लेते हैं जो हमने डेंट निकाला था। ये लाइन फिटिंग देख सकते हैं आप एकदम ओरिजिनल तरीके से, कहीं से भी कुछ टच नहीं हो रहा है। और ये भी आप गैप देख सकते हैं इसमें प्रॉपरली एकदम कंप्लीट हो चुका है, जो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए हमने ये वापस प्रॉपरली ओरिजिनल तरीके से मिला लिया है। और ये हमारा लोगो है जय भारत मोटर्स PDR पाली यूट्यूब चैनल है हमारा। और ये लाइट जो पोजीशन अंदर जा चुकी थी वो प्रॉपरली ओरिजिनल तरीके से हमने इसको बाहर ले लिए। और आप कलर की फिनिशिंग भी देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल तरीके से, ये यहाँ पे भी हमने गैप प्रॉपरली कर लिए हैं, जो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था, जो वीडियो में हमने आपको दिखाया था डोर नहीं खुल रही थी। तो ये भी देख सकते हैं आप, अब ये ईजी वे खुल रही है। और अंदर से भी हम आपको चेक करा देते हैं यहाँ पर कि ये देखिए इसकी जो प्रॉपर फिटिंग रहती है वही हमने इसी में किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं की है।
और इसको हमने प्रॉपर पूरा पेंट कराया है गाड़ी को, और अंदर की भी आप लोकेशन देख सकते हैं एकदम क्लियर हो चुकी है गाड़ी। तो ये प्रोसेस हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। यहाँ पे भी जो छोटे बड़े डेंट थे वही हमने क्लियर किए हैं, जो फाटक में थे और फेंटर में थे, ये फेंटर वही है जो हमने रिपेयर किया है। और ये लाइन शेप भी आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर ओरिजिनल तरीके से है, कहीं से भी कोई गैप्स कम ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रोसेस हमने कंप्लीट करके दिखाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं ये कंप्लीट हो चुकी गाड़ी, और ये देखिए किस प्रकार से ये डैमेज थी जो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से इस पोजीशन फ्रंट से ये इस साइड से नज़र आती थी, और ये बैक साइड का फ़ोटो है, और ये साइड पोस्ट से आप देख सकते हैं कितनी बेकार तरीके से डैमेज हो चुकी है, बहुत ही बुरी तरीके से। तो इसको इस पोजीशन में हमने इसको तैयार की है, और ना कि कंपनी में होती तो इसको टोटल लॉस में दे के बॉडी चेंज कर देते। तो इसका हम ये पोस्चर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका था, और इसकी हमने लाइनेस नापी हैं आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना टायर बार है और बॉडी कितनी अंदर जा चुकी है। तो इसको भी हमने रिपेयर किया है। तो ये तैयार होने के बाद का फ़ोटो है जो हमने इसमें ये फेंटर चेंज किया था, और बाकी सब हमने रिपेयर किया है, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। और ये पेंट होने के बाद का फ़ोटो है, ये कंप्लीट हमने पेंट करा लिया था, और ये पोजीशन है हमने इसको कंप्लीट फिटिंग करके ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद का फ़ोटो है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक की दीजिए वीडियो को, और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ताकि किसी भी भाई को पता चलना चाहिए कि गाड़ी का काम किस अकॉर्डिंग होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।